next is the type of nutrition, that is another type of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. Let's see in the detail. What is the heterotrophic mode of nutrition? Hetero means ke others. Hetero means ke not by the self. ठीक है. Hetero means ke depends on the others. Those organisms which feed on the which get their food from the others. ठीक है. Hetero means ke from other. Hetero means other. Trophic means ke nutrition. तो those organisms which get or which depends on others to get their food, that type of organism are called heterotrophs, and that type of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. ठीक है. जो organism अपना food क्या है खुद prepare नहीं कर सकते, और जो dependent है दूसरों के ऊपर क्या है अपना food obtain करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, heterotrophs कहते हैं. क्या कहते हैं, heterotrophs कहते हैं. ठीक है. तो व्हाट आर इंक्लूडेड इन द हेटरोट्रॉप्स, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया एंड यूपिना, ऑल शो द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. ऑल आर इंक्लूडेड ऑल आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स बिकॉज दे कांट प्रिपेयर देयर फूड, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स टू गेट देयर फूड. ठीक है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रीन प्लांट्स और क्या है सब न्यूसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ के, यूरिना को छोड़ के, सबके सब क्या करते हैं, फूड अपना दूसरे से लेते हैं, आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स. ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. ठीक है. फर्दर हेटरोट्रॉप्स हैं जो हमारे क्या है, फोर टाइप्स के हैं. लेट्स सी देम इन डिटेल. दैट इज द पैरासाइट. फर्स्ट इज द पैरासाइट. पैरासाइट हम कहते हैं कि वो तो पैरासाइट है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जो दूसरे के ऊपर रहता है. ठीक है. दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन अदर्स टू गेट देयर फूड, जो अपना फूड लेने के लिए दूसरे के ऊपर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. याद रखना, हम एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी. किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. ओके. तो दोज प्लांट्स विच लिव ऑन अदर्स टू गेट देयर फूड, जो अपना क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, वो अपना फूड है जो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर रहते हैं अपना फूड लेने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स. क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट्स. फर्दर पैरासाइट इज ऑफ टू टाइप. पैरासाइट है जो हमारे पास कितने तरह के हैं, टू टाइप्स के हैं. ठीक है. फर्स्ट इज द टोटल पैरासाइट एंड सेकेंड इज द पार्शियल पैरासाइट. ठीक है. फर्स्ट इज द टोटल पैरासाइट एंड सेकेंड इज द पार्शियल पैरासाइट. ठीक है. टोटल पैरासाइट मीन्स के टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू गेट देयर फूड, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट. ठीक है. टोटली हम वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड है दूसरे होस्ट प्लांट से लेता है, जिसके ऊपर वो लेता है, जो प्लांट है, एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा है अपने फूड के लिए. ठीक है. उसको हम क्या कहेंगे, व्हाट विल बी दिस, दिस इज द पैरासाइट एंड दिस इज द होस्ट, जो दूसरे से फूड लेता है, जिससे फूड लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो टोटली अपना फूड है दूसरे से ले रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, टोटल पैरासाइट. एग्जाम्पल इज फंजाई. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फंजाई है, कास्कुटा है. ठीक है. दीज आर टोटल पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है. उसके बाद आ गया पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल पैरासाइट मीन्स के दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बट दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, मिनरल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द अदर प्लांट्स. दे ग्रो स्टोरी रूट्स ऑन द अदर प्लांट्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम एंड दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बट लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पार्शियल पैरासाइट. दैट टाइप ऑफ पैरासाइट आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट. ठीक है. ये पूरा का पूरा फूड अपने दूसरे से नहीं ले रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बट अपना न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं, वाटर है, मिनरल्स है, वो दूसरे प्लांट्स के से ले रहे हैं, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है सोलर रूट्स के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइट. ठीक है. मिसलटो, एग्जाम्पल इज मिसलटो.
इसकी एग्जाम्पल क्या क्या होने वाली, मिसल टो, ठीक है ओके. नेक्स्ट इज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अनदर न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट डू यू मीन बाय द सैप्रोफिटिक? सैप्रो मीन्स के डेड एंड डिकेइंग, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म? जो डेड और डिके, जो गली सड़ी चीजों को खाते हैं, उनपे जो ग्रो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. ठीक है, और दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होगी हमारे पास? फर्दर क्या है, एग्जाम्पल इज फंजाई. ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? बैक्टीरिया. सैप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्लेनिशमेंट एंड ऑल्सो फॉर द ऑल्सो टू कंटिन्यू द फूड चेन. ठीक है, जैसे कि क्या होता है अगर सैप्रोफाइट्स ना हो, सोचो तो क्या होगा? जो चीजें गल सड़ गई है ऐसी पड़ी रहेंगी, है ना. जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जो मर गए हैं, जो प्लांट्स मर गए हैं, जो एनिमल्स मर गए हैं, तो क्या होगा? वो एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई चीज खत्म ही नहीं होगी, है ना. और जो रिप्लेनिशमेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वापस सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाएगी हर चीज की. सॉइल है जो अपनी न्यूट्रिएंट्स को कैसे वापस कंप्लीट करता है, जो एलिमेंट्स है उसकी जो कंपोजिशन है वापस उसको कैसे कंप्लीट कर लेता है, इनकी वजह से. किसकी वजह से? सैप्रोफाइट्स की वजह से. सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो हम सब है, प्लांट्स है, वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबसे मिलकर बना होता है ना. तो इस सबको वापस, जिस चीजों से ये प्रोटीन, फैट और जिन न्यूट्रिएंट्स से ये मिलकर बना है, वापस उन कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, वापस एलिमेंटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सो सैप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या हो जाएगी? क्राउडिंग हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी पूरी अर्थ पे, स्पेस ही खत्म हो जाएगी अगर क्या होता, सैप्रोफाइट्स ना होते तो. ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स. दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, नेक्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट. ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? इंसेक्टिवोरस प्लांट. These plants are found on that areas where soil is deficient in the nitrogen. जो क्या है? deficient areas है, जहां से जो plants को nitrogen soil से नहीं मिल पाती है, वहां पे क्या होता है? plants में एक special modifications हो जाती हैं. ठीक है, वो modifications क्या करती हैं? वो वहां पे insecti means के insect eating. ठीक है, वोरस ईटिंग मतलब के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं. वो प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाकर अपनी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करते हैं. नाइट्रोजन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कैसे करते हैं? इंसेक्ट्स ईटिंग. ठीक है, बाय इंसेक्ट्स ईटिंग. सो इन प्लांट्स में क्या होता है? स्पेशल मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिसमें क्या करेगा, जो इनका जो लीफ है, लीफ में क्या है, ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती हैं जो क्या करती हैं, इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठेगा और फिर ये क्या हो जाता है? फ्लैप है जो उसका, फ्लैप जो है इसका ऐसे बंद हो जाएगा, कवर हो जाएगा, फ्लैप कवर हो जाता है. अब इंसेक्ट इसके अंदर है. अब एंजाइम्स है जो सिक्रीट होते हैं, स्लाइवा जो सिक्रीट होता है, वो क्या करता है? धीरे धीरे इंसेक्ट्स को क्या करता है? डीकम्पोज कर देता है. ठीक है, डाइजेस्ट कर जाता है ऐसे. और फिर उसकी जो नाइट्रोजन है, जो उसकी प्रोटीन से नाइट्रोजन मिलती है, उसको क्या करते हैं? ये यूटिलाइज कर देते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. ठीक है, सो सम एग्जाम्पल्स आर देयर, दैट इज द वीनस ट्रैप पिचर प्लांट. ठीक है, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स इनके ऊपर ना म्यूसिलेजिनस जो इनकी शीट होती है, वो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में म्यूसिलेज लगा होता है. जब इंसेक्ट्स इसके ऊपर जाता है, उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा, और जो फ्लैप होता है वो क्या करता है? एंट्रैप कर देगा इसको, ऐसे बंद हो जाएगा. तो उससे क्या है, इंसेक्ट्स इसके अंदर बंद रहे हो जाता है, और वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करके अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है. ठीक है, तो सो एग्जाम्पल्स आर पिचर प्लांट. एग्जाम्पल कौन कौन सी है? पिक्चर प्लांट है, और क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप है हमारे पास. ठीक है, ओके. अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन.
कौन सी न्यूट्रिशन है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक मीन्स के अ रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू ईच अदर. ठीक है, सिम्बायोसिस क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते. इसको इसकी जरूरत है, उसको उसकी जरूरत है, इस वजह से वो दोनों एक साथ रहते हैं. इसी के लिए उस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक. ठीक है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द लाइकन, लाइकन एंड फंजाई. ठीक है, क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास रहता है, एक इसके लिए बेनिफिशियल है, दूसरा उसके लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है, जैसे कि हम सब समझ सकते हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा जब हमारी कैटल्स हैं, कैटल फील्ड में चल रही होती हैं, तो उनके ऊपर ना जाके पक्षी हैं, जो बगले वगैरह हैं, उनके ऊपर जाके चढ़ के ना उसके इंसेक्ट्स खा रहे होते हैं, बट वो उनको कुछ नहीं कहते. क्यों? क्योंकि जो बगले हैं उनको तो उसके साथ फूड मिल रहा है ना, और जो कैटल्स हैं, कैटल्स को उन जो इंसेक्ट्स से, जो पैरासाइट से, उनसे छुटकारा मिल रहा है उनको, है ना. तो इसी टाइप की जो डेफ वो है हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप प्लांट्स में भी होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दालों वाले प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स आप देखोगे ना, तो रूट्स में ऐसे ऐसे नोड्स बने होते हैं जिनको हम रूट नेड्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे नोड्स बने होते हैं. इन नोड्स में क्या होता है, बैक्टीरिया रहता है. ठीक है, राइजोबियम होता है. ये राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम के लिए तो यहाँ पे रहने के इसको जगह मिल गई. ठीक है, और राइजोबियम प्लांट के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है. क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, क्योंकि जो दालें होती है प्रोटीनेशियस होती है ना, पढ़ा है ना आप सबने, प्रोटीनेशियस होती है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होती है, तो उस नाइट्रोजन को कौन फिक्स कर रहा है, राइजोबियम कर रहा है. अब राइजोबियम है जो प्लांट को नहीं नुकसान पहुंचाता, प्लांट के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रहा है, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और प्लांट उसको बैक्टीरिया को कुछ नहीं कह रहा है. क्यों? क्योंकि उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और बैक्टीरिया को क्या फायदा है, वो वहां पे उसको हैबिटेट मिल गया, उसको रहने की जगह मिल गई है. ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए, बेनिफिशियल हो गए. तो इस टाइप की जो न्यूट्रिशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑन दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोट. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लाइकन है, लाइकन है, फंगस है. ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल विच शो द सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द हाउ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉयल, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द सॉयल. ठीक है, सॉयल है जो, सॉयल में रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है इसका, न्यूट्रिएंट्स का. ठीक है, उसको देखते हैं. अब सब हम देख रहे हैं कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, सॉयल से मिल रहा है ना, मिनरल्स की फॉर्म में, वाटर में, डिजोल्व फॉर्म में. ठीक है, तो उन न्यूट्रिएंट्स को अगर प्लांट्स है सॉयल से लेते जा रहे हैं, तो सॉयल में वापस कहाँ से मिल आया, सॉयल भी तो इसको कंप्लीट करेगी ना अपनी न्यूट्रिशन को, अदरवाइज तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सॉयल में प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सब प्लांट्स ने अब्सॉर्ब कर लिए उससे, अब उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. तो जो डीकम्पोजिशन हो रही है वो क्या करती है, रिप्लेनिशमेंट करती है जिसकी अपने कंपोनेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जो रिप्लेनिशमेंट है वो किसके थ्रू होती है, सेप्रोफाइट्स के थ्रू होती है. किसके थ्रू होती है, सेप्रोफाइट्स के थ्रू होती है. ठीक है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हम वो देख लेते हैं. तो क्या होता है, जो हमारे के नाइट्रेट्स और मिनरल्स जो सॉयल में प्रेजेंट होते हैं, सॉयल में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में. ठीक है, नाइट्रेट्स और मिनरल्स की फॉर्म में. ठीक है, सॉयल में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, ये सॉयल में. ठीक है, फिर सॉयल से किसने लिया, इसको प्लांट्स ने. किसने लिया इसको,
प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, प्रोड्यूसर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ठीक है। किसने एब्जॉर्ब किया इसको? प्रोड्यूसर्स ने, ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर्स कौन थे इसमें? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स, जो क्या कर रहे हैं, सॉयल से जो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रेट्स की फॉर्म में और मिनरल्स की फॉर्म में, जो इसको वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके कहां तक पहुंचा रहे हैं? बॉडी के उसके अलग अलग पार्ट्स तक। कहां तक? उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, जहां उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, लीव्स तक, है ना। फिर फर्दर क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं जो इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, इसी में एक हो रहा है ना, हम इसी फॉर्म में ले रहे हैं ना इन सब चीजों को, प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो अब इनको क्या करता है, अब प्लांट से हम उसको क्या है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ये सब हैं, इन सब में, इन्हीं सब में न्यूट्रिएंट्स है ना, और वो किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जो कंज्यूमर है, जो हेटरोट्रॉफ्स है, ये तो ऑटोट्रॉफ्स हो गए, इनको न्यूट्रिशन कहां से मिली? सॉयल से मिली। सॉयल से न्यूट्रिशन कहां गई? प्लांट्स में, प्रोड्यूसर्स में, ऑटोट्रॉफ्स में। अब ऑटोट्रॉफ्स को कौन खा रहा है? हेटरोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स। कौन खा रहा है? कंज्यूमर्स, ठीक है। अब इसको कौन खा रहा है? कंज्यूमर्स, जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो खा रहे हैं। अब फिर क्या होगा, कंज्यूमर्स जब हम आ गए, जैसे हम आ गए, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, पूरे ग्रीन प्लांट्स आ गए, ठीक है, तो ये कंज्यूमर अब क्या होगा? डेड। ये क्या होता है? डेड, आफ्टर डेथ। अब सब जो न्यूट्रिएंट्स थे जो सॉइल में थे, वो हमारे में भी तो प्रेजेंट है ना, मसल्स में, फैट की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, हमारी बॉडी में जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, ऐसे ही सब प्लांट्स की मिलकर बनी है, एनिमल्स की सबकी मिलकर बनी हुई है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स के फर्दर क्या होगा, ये इस आफ्टर डेथ जब क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, तो डीकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन विल टेक प्लेस थ्रू द बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। वही सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स क्या करेंगे? इसको डीकम्पोज कर देंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन क्या है? जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उनको वापस सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ देना, जो हमारा यहाँ पे बना था ना ग्लूकोज, ग्लूकोज को वापस तोड़ देंगे तो किसमें बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है, जिनसे मिलके बना था, तो ये डीकम्पोजर्स काम हो रहा है ना, डीकम्पोजर्स काम करते हैं। डीकम्पोजर्स क्या आ गए? बैक्टीरिया, फंजाई, जो सेप्रोट्रॉप्स थे। अब डीकम्पोजिशन हो गई, डीकम्पोजिशन हो गई तो वो कहां मिल गए वापस? किसमें मिल गए? सॉयल में। किसमें मिल गए? सॉयल में। तो यही हमारा क्या हुआ, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वापस सॉयल में कैसे मिक्स हो गए, सॉयल से यूज हुए और फिर वापस सॉयल में मिक्स हो गए, ठीक है, वहीं से। तभी तो इसकी जो डेफिशिएंसी नहीं होती, और है ना कि बार बार ऐसे ऐसे तो मिनरल्स सब खत्म हो जाते हैं सॉइल से, बट ड्यू टू दैट प्रोसेस, ठीक है, नाइट्रेट्स और मिनरल्स की फॉर्म में, ये हमारा पूरा साइकिल है, जैसे जो क्या है वापस जो साइकिल चलता रहता है, ठीक है। सॉइल से प्लांट्स ने अब्सॉर्ब किया, प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स कहां गए? कंज्यूमर में, और कंज्यूमर से वापस न्यूट्रिएंट्स है डीकम्पोजर के थ्रू फिर सॉइल में जाके मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा साइकिल है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट ऐसे होती है, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर, ठीक है।